नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कन्फ्यूज रहते हैं कि पृथ्वी बीच में होती है या चंद्रमा बीच में होता है, तो आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चंद्र ग्रहण, हम ऐसा मान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण रात को होता है। वैसे चंद्र ग्रहण दिन में भी हो सकता है, लेकिन हम ट्रिक के लिए यह मान रहे हैं कि चंद्र ग्रहण रात को होता है, क्योंकि चांद रात को निकलता है। तो रात से मतलब हमारा शाम को, तो शाम, SAM। तो चंद्र ग्रहण शाम को होता है, तो S से बन गया हमारा सूर्य, और A से अर्थ। A से हम अर्थ मान लेते हैं, वैसे तो E से बनता है, लेकिन याद करने के लिए A से मान लेते हैं। और M से बनता है मून, मतलब चंद्रमा। तो चंद्र ग्रहण श्याम को होता है, श्याम से मतलब है S से सूर्य, A से पृथ्वी और M से मून। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होती है, तो इससे हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि पृथ्वी बीच में होती है या चंद्रमा बीच में होता है। तो नेक्स्ट करते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य तो कभी बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इन दोनों के बीच में सूर्य नहीं आ सकता, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, SMA। एस से सन और ए से अर्थ और एम से मून, और SAM था चंद्र ग्रहण का। हम SAM को याद कर लेंगे कि चंद्र ग्रहण शाम को होता है, तो शाम, ये ट्रिक होगी हमारी, और इसका उल्टा हो जाएगा। एक याद कर लेंगे हम ये, तो ये तो हमारा अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है वो बीच में होता है सूर्य ग्रहण में। हम चंद्रमा की ट्रिक याद कर लेंगे कि चंद्रमा की ट्रिक होती है शाम, तो उससे हमें याद हो गया कि बीच में अर्थ होती है। तो जो दूसरा बच गया सूर्य ग्रहण, उसमें बीच में क्या होगा, मून। तो अब हमें इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऐसी ट्रिक के लिए। थैंक यू।